हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज पेरेंटिंग। बच्चों के जन्म के बाद अक्सर देखा गया है कि बच्चों को पीलिया हो जाता है। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे जिस समस्या को आप पीलिया समझ रहे हैं वो अनीमिया भी हो सकता है। अक्सर माता पिता बच्चों की पीली त्वचा देखकर ये समझ लेते हैं कि उन्हें पीलिया है, लेकिन असल में वह अनीमिया भी हो सकता है। यह दोनों एक समान लक्षणों जैसे होते हैं, इस वजह से आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि इस समस्या की वजह से बच्चों के होंठ, नाखून, मसूड़े, हाथ और हथेलियां और आंखों की पलकें पीली हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों में थकान की समस्या हो जाती है, वो हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं। ऐसे स्थिति में आमतौर पर शिशु के मूत्र का रंग भी भूरा हो जाता है। इसका खतरा उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो 8.5 महीने की अवधि से पहले पैदा हो जाते हैं। आपको बता दें कि छोटे शिशुओं में आयरन बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर उन्हें उचित मात्रा में आयरन ना मिले तो शरीर के विकास में बेहद बाधा पहुंचती है और ये काफ़ी बुरा प्रभाव भी डालते हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।